हाथरस मामले में प्रशासन बेशर्म बना हुआ है। बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर हाथरस की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा। पीड़िता के साथ हुई नाइंसाफी का जवाब वो राख दे रही है, जो अंतिम संस्कार के बाद भी उसी खेत में पड़ी हुई है। बेशर्म प्रशासन देखे इन तस्वीरों को, आज तीसरा दिन है। अस्थियों को चुनने की इजाजत परिवार को नहीं दी गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार वाली जगह पर हैंड सैनिटाइजर का गैलन पड़ा मिला। आज भी अस्थियां 29-30 की रात को अंतिम संस्कार की आज भी पड़ी हुई है। कानून के रखवालों ने भी कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और देखिए, ये हैंड सैनिटाइजर का वे गैलन है जो कोरोना वायरस में हाथों को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये ज्वलनशील होता है। आम तौर पर जब हम किसी की अंत्योष्टि करते हैं तो उसकी चिता पर भी घी लगाया जाता है। जी हाँ, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंडित मंत्रोच्चार के साथ इस काम को पूर्ण कराते हैं, लेकिन इसे पुलिस वाले सैनिटाइजर लेकर पहुँचे, चिता पर डालकर फूंक दिया गया। पूरी चिता पर डालकर आग लगाई गई ताकि पूरी तरह चिता जलकर राख हो जाए। जी हाँ, एक भी हिस्सा ना बच पाए। चिता के ऊपर घी डाला जाता है। केरोसिन, पेट्रोल, सैनिटाइजर जैसे ज्वलनशील पदार्थों का अंतिम संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। यूपी पुलिस इसको क्या जाने। आम तौर पर जहाँ अंतिम संस्कार होता है नदी होती है। दूर गांव में जाकर, खेतों के पीछे एक झाड़ियों में जाकर अंतिम संस्कार सैनिटाइजर की बोतल से करने का क्या मतलब है। हम इसे अंतिम संस्कार नहीं कह सकते। एक लड़की के शव को फूंका गया, उसके शव को फूंक डाला गया यूपी पुलिस द्वारा। जी हाँ, शव के जलने के बाद भी राख के ढेर में तब्दील अस्थियां भी पड़ी हुई हैं। उसे उठाने की भूल चुनने की इजाजत भी परिवार को नहीं दी गई। परिवार को कैद करके रखा गया है। प्रशासन की ये कैसी संवेदनहीनता है।